ये है सो मैं वापस आ गया। हम लोग की फाइल बहुत बुरी तरीके से पिछली बार क्रैश कर गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने वापस फाइल को सही कर लिया। हम लोग कंटिन्यू करते हैं जहाँ से वापस छोड़ा था। अब इसका मैं क्रोम का ग्रिल मटेरियल असाइन कर रहा था, तो मैं इसको मटेरियल पहले सेलेक्ट करता हूँ, कार क्रोम ग्रिल, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं इसको क्रोम मटेरियल बनाने के लिए माया में जीरे के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको पहले इसकी जो रिफ्लेक्शन है इसको 100% कर दीजिए। इस बार हम लोग फ्रेजनल रिफ्लेक्शन अपना नहीं ऑन करेंगे और इसको आप थोड़ा सा ग्लॉसीनेस कर दीजिए, बहुत ज़रा सा, क्योंकि क्रोम जैसा कि जानते हैं ग्लॉस नहीं करता, क्योंकि ग्लॉसीनेस वो पैरामीटर होता है जो आपका रिफ्लेक्शन को ब्लर कर देता है, तो हमें कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं सर्फेस शेडर चुनता हूँ, यहाँ पे सर्फेस शेडर वापस ओपन किया। अब रैम शेडर RAMP, रैम शेडर नहीं, रैम मटेरियल, मैं इसको क्लिक किया, रैम मटेरियल में आया वापस, ये सर्फेस शेडर मेरा ऑन है, इधर आया और मैंने इसको इस पे डिफ़ॉल्ट पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसका मटेरियल खोला, उसके बाद एक सरफेस, एक और नोड हमको चाहिए जिसका नाम होता है सैम्पलर इन्फो, SAMPLER सैम्पलर इन्फो, हम लोग को इसमें एक सर्फेस शेडर की ज़रूरत नहीं है, सैम्पलर इन्फो नोड की ज़रूरत है। मैं इधर आया, मैं इसको डिफ़ॉल्ट पे क्लिक कर दिया, तो इसका जो आउट कलर है अल्फ़ा आउट कलर, इसका अल्फ़ा आउट कलर को हम लोग इसके यूवी कोऑर्डिनेट के इस पे अप्लाई कर देंगे, आउट कलर RGB यूवी कोऑर्डिनेट। ओके, सो मैं वापस आ गया, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझको, कोई नहीं। मैंने सैम्पलर इन्फो नोड सेलेक्ट किया, सर्फेस सेलेक्ट किया और रैम सेलेक्ट किया। अब मैं सैम्पलर इन्फो नोड को पकड़ूंगा और मिन क्लिक दबाऊंगा और ये रैम शेडर को छोड़ दूंगा, उसके बाद ये इसका ओपन इनपुट आउटपुट कनेक्शन खुल जाएगा, तो मैं डिफ़ॉल्ट में जाऊँगा। और ये फेसिंग रेशियो आप देख रहे हैं, फेसिंग रेशियो को सेट कीजिए, ये यूवी कोऑर्डिनेट है इसको सेट कीजिए और इसको यूवी कोऑर्डिनेट पे क्लिक कर दीजिए, बस। अब इसको क्लोज कर दिया, अब आप देख सकते हैं कि ये रैम ये गोल गोल घूम गया, मैंने पहले दो शेड का रैम पा रहा था। अब मैं इधर आया, मैं अपने रैम शेडर पे जाऊंगा, अब मैं इसके बीच वाला ये ग्रीन को डिलीट कर दूंगा और जो रेड है मैं उसको ब्लैक कर दूंगा, प्योर ब्लैक, और जो ब्लू है इसको मैं ब्लैक पे आके वाइट कर दूंगा। अब इससे क्या हमको हासिल होगा, जैसे मैंने ये चीज़ कर दी, तो अब मैं अगर ये वाले अपने मटेरियल पर आऊँगा और अब मैं अपने क्रोम वाले मटेरियल को मैं सब क्लिक कर सेलेक्ट करूँगा, उसको ब्लैक कलर रहने दूंगा और उसकी एकदम 100% इसको ऐसे ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। अब अगर मैं इसके रिफ्लेक्शन अमाउंट पर क्लिक करूँ, सॉरी मटेरियल कॉपी नहीं होता, मैं इसको रिफ्लेक्शन कलर को रिफ्लेक्शन अमाउंट पर क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे ये हिस्सा वाइट था वहाँ वहाँ पे ये चीज़ ट्रांसपेरेंट हो गई, और जहाँ जहाँ पे ऐसा कलर था वो चीज़ वैसी की वैसी ही है प्रॉपर। तो इससे हमको क्या फ़ायदा मिलेगा, इससे हमको ये फ़ायदा मिलेगा कि हमारे रिफ्लेक्शन पर हमें और थोड़ा बेहतर कंट्रोल मिल जाएगा। आप इसके कलर्स को स्वैप कर दीजिए एकदम पूरी तरीके से, सो आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो मटेरियल था ये हमारा रिफ्लेक्टिव रहेगा, जो और जो फ्रंट का फेसिंग एंगल होगा वहाँ पे हमें एकदम से फ्लैट कलर मिलेगा, और जो साइड के एजेस वाला एंगल होगा हमें दूसरा कलर एकदम बहुत ज़बरदस्त वाली हमको रिफ्लेक्शन मिलेगा। और फिर मैं इधर आया, मैंने इसके रिफ्लेक्शन को थोड़ा सा ग्लॉसीनेस को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं इसको रेंडर मार के देखता हूँ कि हमारा रिजल्ट कैसा आ रहा है रेंडर में, थोड़ा सा नज़दीक लाऊंगा मैं इसको मेन पर्सपेक्टिव कैमरे से आऊँगा और मैं पर्सपेक्टिव कैमरे से इसको रेंडर करता हूँ। रेंडर रेंडर रेजोल्यूशन और रेंडर कैमरा, तो तभी के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके, सो हमारी रेंडरिंग चल रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो क्रोम का मटेरियल है वो इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा, और लग रहा है कि वाइट सभी मटेरियल अप्लाई कर रखा है। सो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग उससे को भी टैकल कर सकते हैं, कंप्यूटर दे रेंडर आखिरी बकेट में चाहिए इसका, हो गया। ओके, अब मैं इसको वापस ब्लैक कर लूँगा और मैं इसका रिवर्स कर देता हूँ, मैं इसको रिवर्स कर देता हूँ अपने क्रोम के मटेरियल को। अब मेरे एजेस पे ग्लांसिंग इतनी ज़्यादा नहीं रहेगी जितनी मेरे फ्रंट पे ग्लांसिंग रहेगी, या फिर मैं जो इसको है मैं इसको और थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ओके, अब मैं इसका पोर्शन रेंडर करने के लिए खाली कि मेरे को इतना टाइम नहीं लगाना, मैं खाली इतना सा एरिया सेलेक्ट करता हूँ और उसको रेंडर क्लिक कर देता हूँ। अब ये फॉरन रेंडर हो जाएगा, तो आप देखते रहेंगे रियल टाइम में, देख लेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, पॉज कर देता हूँ, नेसेसरी वीडियो के लिए लेनी पड़ेगी। ओके, हमारा रेंडर खत्म हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ये जो हल्का हल्का ब्लू कलर आ रहा है, क्योंकि ये हमारा स्काई को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और पहले जो हमारा रेंडर था वो उसमें एकदम फ्लैट सा था, उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था।
ये मेरे लिए अभी अभी के लिए मेरे लिए कदर गनीमत है, मैं इसको ठीक समझूंगा। उसके बाद फिर आप इसकी कार की बॉडी भी देख सकते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो मैं इसकी कार बॉडी को सेलेक्ट करूँगा और उसका मटेरियल शो करूँगा और कार बॉडी, और मैं इसको अपने टेस्ट के लिए मैं थोड़ा सा इसको और डार्क ब्लू कर लेता हूँ ताकि हमको और बेहतर कलर दिखे इसमें। उसके बाद ये फ्रंट की नेम प्लेट हमारी इसी कलर की रहेगी, और जो मेरे ग्रिल का ये वाला कलर था मैं इसको ग्रिल भी सेलेक्ट करता हूँ अपने, क्योंकि मैंने कंपोनेंट में इसके मटेरियल लगा रखा है। सो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव बना देते हैं, पर इसको फ्रेशनर के साथ रिफ्लेक्टिव करते हैं और इसका कलर ब्लैक ही रहने देते हैं इसको रिफ्लेक्टिव, और इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं ताकि एकदम स्टैंड आउट ना करें। और जो हमारा लोगो का कलर था हम उसको लोगो को सेलेक्ट करते हैं, उसको भी कॉल करते हैं, और जो फ्रंट क्रोम था इसको भी क्रोम के बनाते हैं हम लोग, इसको ऐसे कर देते हैं, क्रोम का कलर बना देते हैं और इसकी थोड़ी सी इसको ऐसे कर देते हैं तो अब ये शाइन करेगा। और जो ब्लैक था इसके पे रिफ्लेक्शन थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर फ्रेजनल रिफ्लेक्शन ऐसे कर देते हैं। ज़्यादा कुछ मटेरियल में नहीं हम लोग कुछ भी करना पड़ेगा, हम लोग को जो बेसिक थोड़ी थोड़ी सी सेटिंग्स करके ही हमको हासिल हो जाएगा अपना रिजल्ट। उसके बाद ये BRDF टाइप फॉन्ग विलेन और वार्ड, जैसे कि आपको अभी जैसे आपको वार्ड में चाहिए या फिर फॉन्ग में चाहिए, जैसे आपको स्ट्रिकीनेस चाहिए होती है, लंबी लंबी चीज़ चाहिए होती है, भी हम लोग को आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखा दूँगा उस चीज़ की। सो अभी मैं इसको रख के वापस फिर से रेंडर करता हूँ परस्पेक्टिव मोड से। सो मैं इसको पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और अपनी सिलेक्शन को ऑफ करता हूँ और मैं फिर से रेंडर करता हूँ, मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके मैं वापस आ गया, मैं इस रेंडर को पॉज कर देता हूँ क्योंकि वो डार्क ब्लू कलर नहीं आ रहा जो हमको चाहिए, तो खामा खा रेंडर इतना लंबा करने से क्या फ़ायदा। इसको मैं फिर से सिलेक्ट करता हूँ, देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। मैंने इसको मटेरियल सेलेक्ट कर रखा है, ये तो एकदम सही है, पर इसका ये वाला जो कलर है फ्लेक का, इसको मैं और थोड़ा डार्क कर देता, फेक कलर अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे मैंने आपको ओवरव्यू नहीं दिया, फेक कलर क्या देगा, जो आपकी ये छोटे छोटे स्पॉट्स हैं ना इनको कलर देगा। उसके बाद बेस रिफ्लेक्शन इसमें कितना आएगा, या फिर आप चाहें तो अपना खुद का मटेरियल बना सकते हैं, नहीं तो फिर इसी को चूज़ कर सकते हैं। बेस रिफ्लेक्शन जो आपका बेस पे रिफ्लेक्शन रहेगा, बेस ग्लॉसीनेस जो आपका जो रिफ्लेक्शन होगा उसको कितना ब्लर करेगा, उसके बाद फेक ओरिएंटेशन वो कितना फ्लेक आपका ओरिएंटेशन किस तरफ घूमा रहेगा, डायरेक्शनल है कि क्या है, कोट कलर आपका कोट जो ऊपर का जो एक्सटीरियर कोट होगा वो किस कलर का होगा। जैसे आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ कुछ कार्स होती हैं जिसमें कहते कार ब्लू कलर की होगी, उस पर कोट जो कार का है वो पिंक कलर से आ रहा होता है, थोड़ा अजीब लगता है, पर लोगों की पसंद क्या किया जाए उसके लिए। सो मैं इसको वापस और थोड़ा सा डार्क कर दूँगा, डार्क ब्लू एकदम करके देखता हूँ। अब मैं इसको रेंडर करके खाली एक इसका रीजन रेंडर करूँगा, इतना सा पोर्शन अब मैं रेंडर करता हूँ इसका। अब मैं थोड़ी देर इंतज़ार करता हूँ और मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ओके सो हमारे रेंडर हो गया, पर अभी हमको उस तरीके का रिजल्ट नहीं मिला, नतीजा नहीं आ रहा जैसा हमको चाहिए। हम चाह रहे हैं अपना डार्क ब्लू कलर की कार हो, तो वैसा नहीं आ रहा। और अगर मैं इधर आके देखूँ sRGB मोड को ऑफ़ कर दूँ तो हमारी कार कुछ कुछ उस कलर की आ रही है, पर ये sRGB मोड में आ रही है और हमको चाहिए अपना लेने मोड में आ रही है, और हम चाह रहे हैं कि sRGB मोड में जिसमें हमने एक्स्ट्रा एडिशनल लाइटिंग इन्फॉर्मेशन अप्लाई कर रखी है उसमें आए। सो वो आप कैसे कर सकते हैं, सही उन्होंने कुछ और करवा था, वो आप कैसे कर सकते हैं, इधर आइए अपने जो कोड पैरामीटर है कोड, जैसे कि मैंने बताया कि जो पिंक सा रिफ्लेक्शन आता है, सो इसको सेलेक्ट कीजिए और इस पर डार्क ब्लू कलर के वाला कोड सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको अप्लाई करना है। और जो इसकी कोड स्ट्रेंथ है, पहले मैं इसको ऐसे करके दिखाता हूँ, रेंडर करता हूँ। अभी हमारा ग्लोबल इल्यूमिनेशन का पास कैलकुलेट हुआ है, ओके ये हमारा रेंडर हो गया। अब ये डार्क तो हुआ है पर उतना डार्क नहीं हुआ जितना मुझको चाहिए। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसकी कोर स्ट्रेंथ को बढ़ा देता हूँ और इसकी मैं कोर स्ट्रेंथ 0.5 कर देता हूँ, 0.05 से। उसके बाद मैं अभी इसको सेव कर लेता हूँ अपने फ्रेम बफर में और उसके बाद फिर इसको रेंडर करता हूँ। सो अब हमको थोड़ा बहुत नज़दीक आ जाएगा, और आपको एकदम ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने पहले कहा कि दो तरीके होते हैं, या तो फिर आप एकदम अपने कॉम्प में ही जो आपके जो माया का रेंडर करेंगे उसमें ही एकदम फाइनल आउटपुट आ जाना चाहिए, या तो फिर आप कॉम्प में उसको थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं। सो हम लोग इसको कॉम्प में सेट कर लेंगे जो कि हमारे पास ज़्यादा कंट्रोल रहेगा बनिस्बत यहाँ करने से अपना सर कपाने से। सो ये मेरे लिए काफ़ी है अभी के लिए। सो मैं इधर आता हूँ और मैं इसको एक बार फिर से पूरे को रेंडर करने पे लगा देता हूँ। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग और कार के मटेरियल्स को एक्सप्लोर करेंगे और उस पर अप्लाई करेंगे। सो तब तक के लिए मेरा नाम अर्शलान अली है, और आप मेरे ट्यूटोरियल्स को मेरे ब्लॉग arshlanaliblogspot.com पे जाके देख सकते हैं, या फिर मेरे चैनल अर्शलान अली जाफरी पे जाके यूट्यूब के चैनल पे जाके देख सकते हैं। और मैंने और भी अपने वीडियोस बना के रखे हैं, जैसे पीरे के इंट्रोडक्शन, ज़ीब्रश का इंट्रोडक्शन, पेरेंट्स के लिए जिनको इंग्लिश नहीं आती पर फिर भी आप अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकते हैं उन्हें कंप्यूटर सीखने में, तो उसके लिए बना के रखा है। UV अनरैप करने के लिए ट्यूटोरियल बना के रखा है। सो आप प्लीज़ मेरे चैनल में जाइएगा, वहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी, और मैं कोशिश करूँगा कि कोशिश करता ही रहता हूँ कि मैं नए से नए ट्यूटोरियल बना बना के अपलोड करता जाऊँ।
तो फिर से मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय।